तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो मेरी रहेगी, क्या आप साल भर मधुमक्खियों को एक जगह ही रख सकते हैं? खासकर बात है मैलीफेरा की। तो मेरे पास एक बक्सा है मैलीफेरा का, जिसको लगभग 1.5 साल के करीब हो गया है। तो चलिए आज उसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा, क्या आप भी साल भर एक जगह मधुमक्खी का बक्सा रख सकते हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरा वो बक्सा है मैलीफेरा का, जिसको लगभग 1.5 साल के करीब हो गया। ये मैंने सिंपल इसी वजह से ले आया था, मैं देखना चाहता था कि ये मक्खियाँ एक जगह पर क्या इनको रख सकते हैं और ये कैसा वर्क करती है एक जगह ही परमानेंट रखें। तो ये कुछ बक्से की स्थिति है। इन मक्खियों का कोई पता नहीं कब घटती रहती है, कब बढ़ती रहती है, कोई पता नहीं। तो फिर अब देखिए, ये फिर से थोड़ी घट गई है। एक फ्रेम मेरे को इससे निकालनी पड़ेगी। ये मक्खियाँ मेरी लगभग 8, ये फ़िलहाल 9 फ्रेम पर थी लगभग, अब एक फ्रेम घटाकर ये लगभग 8 फ्रेम पर रह जाएगी। तो ये है कुछ बक्से की स्थिति। और चलिए मैं बताता हूँ, बिना माइग्रेशन के आप इसको कैसे रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास फ्लोरा बहुत ही बढ़िया है, कि कई कई जगह ऐसी है जहाँ फ्लोरा लगभग साल भर चला रहता है काफ़ी बढ़िया, वहाँ तो आप मैलीफेरा लगभग साल भर रख सकते हैं। पर जिस हिसाब से मैंने अनुभव किया, मुझे लगा कि इस बक्से में उतना कुछ खास वर्क एक जगह रख के नहीं हुआ। माइग्रेशन में मेन क्या होता है, मधुमक्खी की खास ज़रूरत क्या है? मधुमक्खी को पानी, नेक्टर और पोलन चाहिए, जो कि उनकी सबसे पहली ज़रूरत है। ये ज़रूरत इनको मिल जाए तो मधुमक्खियाँ आपके एक स्थान पर भी सर्वाइव कर जाएगी। तो फूल ख़त्म, जब तक फूल का सीज़न चलता है, तो उसको ख़त्म होने के बाद जो है मधुमक्खियाँ फिर अपना ही जो स्टोर माल है उसको खाना शुरू कर देती है, और जो कि आपकी ब्रूडिंग वगैरह है वो भी रुक जाती है कुछ हद तक, जिसके कारण कि मधुमक्खियों की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये बक्सा मैंने लगभग साल भर एक जगह ही रखा है, और मैं सही बात कहूँ अपनी, तो मैं इसको फीड ही करा रहा हूँ। अभी तक इस बक्से ने मेरे लिए, मेरे पास अभी तक ना अभी तक कोई नेक्टर सील्ड किया इन फ्रेमों में। बस आएगा भी नेक्टर तो बस आ जाएगा और कुछ दिन बाद वो फिर ख़त्म कर देगी उसको। मतलब अभी तक मैंने इसमें ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने अभी नेक्टर सील्ड कर दिया हो, वैसा कुछ भी अभी तक मुझे नहीं लगा। तो मुझे कुल ये ऐसा लगता है कि जो ये मेरे पास और देसी मधुमक्खियों के बक्से हैं, जो कि एपिस सिराना इंडिका है, उनमें मुझे लगता है कि वो एक जगह के लिए बहुत बढ़िया मक्खी है, पर मैलीफेरा एक जगह के लिए नहीं है, खासकर हमारे क्लाइमेट के लिए। शायद आपका क्लाइमेट कुछ और होगा, वहाँ फ्लावरिंग चलती रहती होगी, तो आपके लिए मैलीफेरा शायद चल पड़े। तो माइग्रेशन इसीलिए ही ज़रूरी होती है, क्योंकि माइग्रेशन में क्या होता है कि इन मक्खियों को फ्लावरिंग ही चाहिए, ये तीन ही चीज़ें चाहिए, पानी, नेक्टर और पोलन। अगर ये आपको माइग्रेशन में मिलता ही है तो आपको बहुत अच्छा वर्क करके ये मक्खियाँ देगी, पर मुझे अभी तक उतना खास फर्क नहीं आया। तो इसको जब मैंने ले आया था, ये सिर्फ 4 फ्रेम की मक्खियाँ थी, आज ये 8 फ्रेम तक पहुँच गई है। वो भी 1.5 साल लग गए इसको 8 फ्रेम में पहुँचने पर, तो इतना टाइम तो देसी मक्खी भी नहीं लगाती होगी मेरे हिसाब से। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरी इन फ्रेमों में कोई अभी तक नेक्टर उतना नहीं है, इनको फीड ही करवानी पड़ती है, बल्कि देसी मक्खियाँ इस टाइम भी फीड वगैरह सब कुछ ले आ रही है। और अब तो आगे ऑफ सीज़न आएगा, ऑफ सीज़न में क्या होता है कि जो कि
जो इनको फिर हमको फिर से ऑफ सीजन में क्या है कि पोलन भी खिलाना पड़ेगा और शुगर सिरप भी देना पड़ेगा। तो मधुमक्खियाँ सीजन आते आते तो बहुत ही कम रह जाएगी, लगभग ख़त्म ही हो जाएगी, खासकर मेलिफेरा की बात है। तो इसलिए अगर आपने भी मेलिफेरा रखनी है, तो अगर आपकी फ्लावरिंग अच्छी है तो आप इसे ज़रूर रखिए। तो हो सके तो मेलिफेरा रखनी भी है तो आप माइग्रेशन ज़रूर करें। मेलिफेरा एक स्थान में रखने लायक नहीं है, जो कि मैंने खुद अनुभव किया है। बाकी जब तक ये बक्सा मेरे पास है तो मैं आपको इसकी भी अपडेट देता रहूँगा कि मेरे पास आगे आगे क्या क्या दिक्कत आई और क्या परेशानियाँ हुई। और मेलिफेरा में जो है कि बीमारियाँ भी बहुत जल्दी लग जाती है, इसमें मेरे कंटिन्यू कोई ना कोई बीमारी चली रहती थी। कभी इसमें माइट की समस्या आनी, कभी ब्रूड खराब या सड़ना शुरू हो जाना, तो फिर बस वो समस्या मेरे इसमें आती रहती है। बाकी हर फ्रेम में जो चाहिए कि मधुमक्खियों में ग्रोथ के लिए खास अंडा लार्वा ब्रूड तो चला रहना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ कुछ टाइम हमारे बरसात के टाइम भी काम स्टॉप रहा। मेलिफेरा का यही सिस्टम है, अगर बरसात हो या ठंड पड़ जाए या कुछ हो, ये जल्दी वर्क नहीं करती। बल्कि जो एपिस सेरेना मधुमक्खी है वो बरसात में भी चली रहती है। तो इन मक्खियों में यही समस्या है। ये इनका जो सिस्टम है, इनकी माइग्रेशन सबसे ज़रूरी है। माइग्रेशन के बिना इनका पालन करना टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको एक जगह नहीं पाला जा सकता। इनको एक जगह पाला जा सकता है, पर आपके पास फ्लावरिंग अच्छी होनी चाहिए, नेक्टर पोलन वगैरह सब कुछ आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होनी चाहिए हर सीज़न, हर टाइम, हर महीने में, तो फिर तब आप इनको रख सकते हैं। नहीं तो आपको इनको बस मेरी तरह बस शुगर सिरप देते जाओ और इनको एक स्थान पर रखते जाओ, उस तरह ही रख सकते हैं। बाकी मुझे इनमें कुछ एक जगह रखने का खास फ़ायदा नज़र नहीं आया, इसलिए इनको माइग्रेशन करना ही बेहतर है, तभी ये मक्खियाँ बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। तो अब मैं इनको बस ऐसे ही क्लोज कर दूंगा और 8 फ्रेमें मैंने अब रख दी है। ये वाली फ्रेम मैं साइड में ही रख दूंगा, कोने में ही, और बस इनको गैप छोड़ दूंगा, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ही उतनी नहीं बढ़ रही है। जो ये ब्रूड दे भी रही है वो कभी ख़राब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी तो सही निकल भी रहा है। तो देखते हैं आगे अब इस सर्दी में कैसे सर्वाइव होती है। तो मैं इसकी भी बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा। बस ये वीडियो थी मेलिफेरा पर, ये था मेरा खुद का रिव्यू मेलिफेरा पर। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।